मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको वितान पाठमाला हिंदी पुस्तक से पाठ 15 दो बकरियां नाम की कहानी बताऊंगी, ठीक है। और इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है, वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। एक गरड़िया था, गरड़िया यानी जो भेड़े चराने वाला, उसके पास कई भेड़े थी। दो छोटी बकरियां भी थी, और बकरियों का क्या नाम था? भूरी और श्यामा। भूरी और श्यामा बहुत शरारती थी, नॉटी। वे रोज जंगल में चरने जाती, इधर उधर भागती, कूद लगाती, दूर दूर घूमने निकल जाती, गरड़िये को बहुत परेशान करती। एक दिन गरड़िये को बकरियों पर बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया पता? उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। एक टोकरी में हरी हरी घास भरी और खुद भेड़ बकरियों के साथ जंगल चला गया। दोनों बकरियां पहले तो उदास खड़ी रही, फिर उछलने कूदने लगी। एक इधर से रस्सी खींचती तो दूसरी उधर से। रस्सी खींचते खींचते वे थक गई, उन्हें भूख लग गई। श्यामा बोली, घास की टोकरी बहुत दूर है, क्या करें? भूरी बोली, मेरे साथ खड़ी हो जाओ, पहले मैं अपना अगला पांव आगे करूंगी, फिर तुम करना, साथ साथ आगे बढ़ें। श्यामा बोली, ठीक है। दोनों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती जाती। घास की टोकरी अब थोड़ी दूर थी, तभी श्यामा दूसरी तरफ मुंह कर चलने लगी। भूरी की रस्सी खींची, वह बोली, ऐसे नहीं श्यामा, एक तरफ मुंह कर दोनों साथ साथ चलेंगी तो ही आगे बढ़ पाएंगे। श्यामा सीधी हो गई, दोनों फिर टोकरी की तरफ बढ़ी। टोकरी पास आ गई, दोनों ने एक साथ टोकरी में मुंह डाला, मजे से दोनों घास खाने लगी। शाम को गड़रिया आया, उसने दोनों बकरियों को खोला, दोनों अपने पिछले पांवों पर खड़ी हो गईं। दोनों बोली, मैं, यानी हम आपके साथ जंगल जाएंगे। गरड़िया बोला, शरारत तो नहीं करोगी? दोनों ने सिर हिलाया, ना ना ना, ना ना ना। तो समझ में आया बच्चों? क्या हमें क्या सीख मिलती है इससे? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें शरारत नहीं करना चाहिए और शरारत करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग भी शरारत नहीं करोगे और किसी को परेशान नहीं करोगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।